थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन लाइक आई सेड कि पाकिस्तान में गर्मियों का आगाज है। कराची में गर्मियां आ चुकी हैं, बहुत पहले भी थी, लेकिन आज हम जो ये बाहर यहाँ पर आए हुए हैं, नेचुरल सा सेट है और यहीं पर हम लोगों ने अगले 6 वीक्स गुजारने हैं। और कैसे इस सेट पे नहीं गुजरेंगे, यहाँ बहुत सारे मुकाबले होंगे, 16 हसीनाएं कंपीट करेंगी उस क्राउन के लिए जिसे हम कह रहे हैं द क्वीन ऑफ द वाइल्ड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफकोर्स इस वक्त मेरे मेहमान मुझे उन्होंने आके ज्वाइन किया है, जनाब फैसल काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इस काबिल आपने समझा कि मुझे बुलाया। नहीं नहीं, आप बहुत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल साहब से करना चाहता हूँ। ये मैंने देखा है अक्सर, जितने भी शुरा हैं ज्यादातर देखा रात के वक्त, सुना भी होगा उन्होंने। जी जी सुना भी। नहीं, रात को ये कुछ और सुना करते हैं, रात को मैंने बल्कि कभी कभी जाके देख भी लेते हैं। क्रिस्टल के ग्लास में चाय क्यों नहीं पीते? ये मौजूद तहकीक का है, कमेटी बनानी पड़ेगी। जब शायरों से कहा ना तो अकेले शायर कैसे जवाब दे देगा? मुझे क्या हक है कि 50 शायरों की तरफ से मैं जवाब दूं? वैसे आज मैं एक बात कर सकता हूं कि आपने जो जंगल में आज लिया ना, तो अर्ज किया है कहां से? फार्म हाउस से। जी फार्म हाउस। शायरों शायरा चौकस हैं, यानी शेरो सुखन का दंगल है, महफिल शेर मुनक़िद है यहाँ, गोया जंगल में आज मंगल है। क्या बात है। बकौल मुन्नी बेगम के कि अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। अच्छा, किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। अच्छा वैसे एक बात है, फैसल ने बहुत प्रैक्टिस की थी क्यों ब्रेक, ब्रेक के दौरान के किसी तरह से क्यों दे दें, नहीं दिया, लेकिन आपने शायरों वाला काम किया। मुझे बताना जिसे याद रखना था, मुझे बताना नहीं चाहिए, जिसे याद रखना था उसे भूल गए और जिसे भूलना चाहिए था उसे बहुत याद रखा। पक्का पक्का आपने काम किया। फैसल कैसे? इसीलिए कहते हैं रिहर्सल नहीं करता, जंगल में मंगल आज, यहाँ दंगल ही तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल में तो है मंगल। बिल्कुल। अच्छा फैसल, हम लोग इश्क की बात में झूठ बोल रहे हैं जी? कोई में झूठ बोल रहा? नहीं बिल्कुल नहीं झूठ। आपने कुफर भी नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आपने इश्क किया, प्यार किया, मोहब्बत की? सॉरी, मोहब्बत की तुमने बहरे, मोहब्बत बहरे क्या मतलब? मैंने चाय आपको लाके दी। वो बहरे होता है, बात का जवाब इधर उर्दू से बेबहरा आदमी। बोले जोर से बोलिए दबंग जर। तुमने मोहब्बत की? हाँ की। ये नहीं भाई, इस वारदात का मुझे नहीं पता था। इस वारदात का मुझे नहीं पता था। इस वारदात का नहीं पता था। अगली बात नहीं कही। हाँ की, कर लो जो करना। यार बात सुनिए, मुझे वहाँ बिठा दीजिए, मुझे वहाँ बिठा दीजिए, मुझे बहुत हाथ पड़ रहा है। और सोचो तुमको जब ये हाथ मार सकते हैं तो नौजवानों का क्या हाल होगा? नहीं हमें ये बता दो, तो तुम्हें दबा के कूटते होंगे। हमें ये बता दो, हमें किसके सवालों के जवाब देने? हमारे मुनकिर नकीर भी बैठाए और खुद भी बैठे हो। नहीं फैसल, संजीदा सवाल था। करामन कातिबीन पहले बैठे हैं, अब बताओ जवाब दो। तुम्हें कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? मुझे गरीब सा लग रहा है। अच्छा बात सुनो, तुमने वाकई प्यार किया? हाँ। कितने प्यार किए? हाँ कितने प्यार किए छोटे बच्चे? ये मैं आपकी उम्र देख के नहीं, फैसल 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 फैसल, ये मैं आपकी उम्र देख के नहीं, किरदार देख के बात कर रहा हूँ। उम्र में ऐसा क्या लग रहा है? मतलब मैं किरदार में ऐसा लग रहा है उसकी वजह से कह रहा हूँ कि एक से ज्यादा प्यार किया होगा। अभी तो मैं जवान हूँ, कहिए ना। नहीं ये तो जवान हमेशा ही रहते हैं। अच्छा आप पूछना क्या चाह रहे हैं? वो आपने कितने प्यार किए हुजूर? बस अब थोड़ा वक्फा लीजिए, तवक्कुफ कीजिए, जवाब सुनिए। एक प्यार किया, एक मोहब्बत की, उसी से शादी की, उसी से निभा रहा हूँ और उसी के घर जाना है अभी इसको। हाँ अभी उसी के किस्तें पूरी नहीं हुई। फाइनली एक टाइमिंग पे आ गया, एक टाइमिंग आ गया, शुरू हो गई है। इसका मतलब मेरे साथी ने कहा था ले रहे हैं एक टिकट में दो मजे, महबूबा के बीवी बना रखा है। भाई फैसल आप यहाँ आ जाइए प्लीज। मैं जहाँ रुकती हूँ वहाँ से हटती नहीं हूँ। मैंने नहीं, 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 इन्होंने पश्तों में आपसे हाल अहवाल पूछा था।
ये जिस जबान की औरत देखते हैं उससे उसी जबान में बैठ गए। हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए नहीं लेट गए। कब तक बैठे रहेंगे? क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है और इसके माने खामोश रहूं? नहीं काबिल कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि उनकी इज्जत की जाए। कसम कुछ बुजुर्ग होते हैं ऐसे, ये ओरिजिनल ही नहीं। शायर ओरिजिनल है या दाढ़ी वाड़ी दगवाई? और कुछ लोग ऐसे ही इज्जत करना जानते ही नहीं। जरा सा आज आप डिले क्यों चल रहे हैं? लाइव शो में डिले मत रहे, खतरा होता है ना। खिंचाई मत करना तो मैं खामोश रह जाता हूँ। अच्छा नहीं नहीं हम नहीं बता रहे कि फैसल ने ब्रेक में क्या क्या किस किस से क्या क्या कहा है और कब कब कहा है। हम लोग वी वांट टू टेल। अच्छा अब आपका एक कैरेक्टर था बेटी मानो का। इस हालात में बेटी मानो आ सकती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और आप दादा का कैरेक्टर अगर प्ले कर सकते हैं। इतने हैरान नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं मैं कर दूंगा, लेकिन तारा साहब ने जिस खूबसूरती से किया था कि माशाल्लाह उस वक्त तो वो जवानी के अपने उरूज पे थे, अब वो बुढ़ापे के उरूज पे हैं। बुढ़ापे से मुराद ये कि अब वो जाहिर डिटोरिएशन तो होते हैं ना। उस वक्त उन्होंने दांत उन्होंने दांत छुपा लिए थे, अब उनके दांत हर जगह नजर आते हैं। सुभान और बेटी मानो एक मिनट हमको छोटा सा एक ब्रेक लेना है यार। एक ब्रेक के बाद ये हरकतें करें। एक बात बताएं। हाँ ये आप ब्रेक को क्या जाने, आपकी जिंदगी में तो वक्फा है ही नहीं किसी भी चीज में नहीं। एक छोटा सा ब्रेक है यार, बात ब्रेक के बाद। बच्चे में 2 साल का वक्फा था।